हेलो एवरीवन, कृष्णा की रसोई रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट कांदा पोहा। तो फिर आइए चलिए बनाते हैं। यह हमने 250 ग्राम पोहा ले लिया है और इसको अब हम पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे, भिगोएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको अच्छे से धो लेंगे और फिर 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और फिर चलिए फिर हम बनाते हैं। हमने ये कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 स्पून तेल डाले हैं, रिफाइंड ऑयल, और इसमें अब हम मूंगफली के दाने ये हमने लिए हैं 2 चम्मच। इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको सेकेंगे, स्लो फ्लेम पे सेकेंगे इसको। इसको थोड़ी चटकने देंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसमें हम मस्टर्ड डालेंगे 1 टीस्पून और इसको चटकने देंगे। अब हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और इसको अच्छे से बारीक कट कर लिया। ये देखिए लंबे लंबे कट कर लिया था। अब इसको डालेंगे और इसको हल्का ब्राउन करेंगे। ये कड़ी पत्ता है, ये देखिए मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू और इसके स्वाद। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ग्रीन चिल्ली, इसको हमने बीच से काट लिया था। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा अब सिक गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। अब ये 1/2 टीस्पून इसमें शुगर डालेंगे। पोहा हमारा खट्टा मीठा होता है तो हल्का सा इसमें मिठास चाहिए, इसलिए हम चीनी डालते हैं। अब इसमें हम 1 नींबू डालेंगे, इसको निकाल करके इसको ऐसे कट करके, और इसका अब हम जूस डालेंगे इस तरह। हम मिक्स करेंगे। अब ये पीनट हमने जो फ्राई किया था अब इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब ये हम पोया डालेंगे जो हमने इसको भिगो करके धो के रखा था। देखिए ये अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसको डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर। अब ये रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। आप लोग भी इस तरह से बना करके खाइए और एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि कैसा बना है, और पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पे अब हम डालेंगे थोड़ा ये खट्टी मीठी नमकीन, आलू की भुजिया, ये देखिए इस तरह से